क्रिसमस आते ही हर तरफ खुशियों का माहौल बना रहता है तथा बच्चों को सांता क्लॉज का बेसब्री से इंतजार होता है और बच्चे सोचते रह जाते हैं कि कोई सांता क्लॉज आएंगे और उनकी विश पूरी करेंगे या उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे। सांता क्लॉज की कल्पना किए बिना क्रिसमस का त्यौहार अधूरा सा लगता है, जो लाल और सफेद रंग के कपड़ों में तथा सफेद बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ कंधे पर गिफ्ट से भरा एक झोला सांता क्लॉज की एक ऐसी ही कल्पना लोग अपने दिमाग में रखते हैं। पर क्या यह सच है? क्या सांता क्लॉज कोई थे कि क्रिसमस के त्यौहार पर सांता क्लॉज को याद किया जाता है, जबकि क्रिसमस का त्यौहार तो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाया जाता है। फिर क्रिसमस के त्यौहार पर सांता क्लॉज को याद करने का चलन क्यों आया? दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि सांता क्लॉज का नाम सेंट निकोलस के नाम पर पड़ा है। क्रिश्चियन में संत निकोलस को जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के बाद एक बड़ा स्थान प्राप्त है। फिनलैंड के लोक कथाओं में बताया जाता है कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद करीब 270 से 280 साल बाद संत निकोलस का नॉर्थ अमेरिका के रुवानियेमी गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही सांता क्लॉज के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वे गरीबी में ही पले बढ़े थे। संत निकोलस का मन हमेशा ईसा मसीह में ही लगा रहता था। संत निकोलस बड़े होकर पहले पादरी और बाद में बिशप बन गए। यीशु की भक्ति के अलावा उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चों का तोहफा देना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन वे हमेशा एक बात का ख्याल रखते थे कि तोहफे देते समय उन्हें कोई देख न ले, और इसीलिए वे हमेशा रात के अंधेरों में ही तोहफे देने निकलते थे। उनके बहुत से कहने प्रचलित हैं, जैसे कि एक गरीब परिवार में एक व्यक्ति अपने 3 बेटियों के साथ रहता था और वह इतना गरीब था कि वह अपने बेटियों की शादी तक नहीं कर पा रहा था। जब सेंट निकोलस को पता चला था तो उन्होंने रात में जाकर उनके घर के आंगन में टंगे मोजे में सोने के सिक्के रख दिए, जिसे पाने के बाद वह परिवार का पिता अपने बेटियों की शादी कर पाए। और इसी तरह सेंट निकोलस ने उन बेटियों की जिंदगी संवार दी, और यही कारण है कि क्रिसमस ट्री में जुराब यानी मोजा टांगने का रिवाज है। लोगों का तो यह भी मानना है कि सांता क्लॉज दुनिया भर में आए खतों का जवाब भी देते हैं, और ये जवाब केवल खतों के माध्यम से ही नहीं बल्कि जीमेल और वेबसाइट के माध्यम से भी देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर लिए होंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो माना जाता है सांता क्लॉज का कोई ड्रेसिंग स्टाइल नहीं था, लेकिन जब 1973 में पहली बार अमेरिका शहर में सांता क्लॉज का नाम मीडिया के सामने आया था, लेकिन 1930 में सांता क्लॉज लोगों के सामने तब रूबरू हुए जब एक कोका कोला कंपनी का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति लाल और सफ़ेद कपड़ों को पहनकर सफ़ेद बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ प्रचार किया था। तब से ही लोगों का यह ड्रेसिंग स्टाइल इतना पसंद आया कि लोगों ने तब से इस ड्रेस में सांता क्लॉज को याद करने लगे। लोगों का तो यही मानना है, ज्यादातर बच्चों के बीच क्रिसमस के मौके पर ही पूरी की जाती थी, जिसके कारण क्रिसमस और सांता क्लॉज का एक गहरा रिश्ता बनता गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज भी बहुत से किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज अपनी वाइफ और बहुत से बने लोगों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी खिलौने की फैक्ट्री लगाई है और वह हर साल बहुत सारे खिलौने बनाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों को बांट दिए जाते हैं। चलिए अब हम सांता क्लॉज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। नंबर 1, एक लोक कथा के अनुसार सांता क्लॉज पूरी दुनिया के अच्छे और शरारती बच्चों की लिस्ट बनाते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें गिफ्ट तथा कैंडी देते हैं तथा जो शरारती होते हैं उन्हें कोयला देते हैं। नंबर 2, सांता क्लॉज के सभी खिलौने उन्हीं की फैक्ट्री में बनाया जाता है, जहां पर हजारों बौने व्यक्ति काम करते हैं। नंबर 3, माना जाता है कि सांता क्लॉज का जन्म 270 ईस्वी में हुआ था, यानी अगर 2021 के अनुसार देखा जाए तो उनकी उम्र 1750 साल हुआ। नंबर 4, माना जाता है कि सांता क्लॉज के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी थी, क्योंकि जब एक कसाई 3 बच्चों के मांस को बेचने के लिए काट देता है तो सांता क्लॉज ने अपनी शक्तियों से उन बच्चों को दोबारा जीवित कर दिए थे। दोस्तों, आज आप सांता क्लॉज के बारे में बहुत चीज़ें जान लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।